हलचल टीवी न्यूज। गर्मियों की छुट्टियां हो या फिर किसी त्योहार का सीजन, इन दिनों में ट्रेनों की बड़ी बड़ी वेटिंग लिस्ट का क्लियर ना हो पाना ही यात्रियों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। सफर से कई दिन पहले सीट आरक्षित करवाने के बावजूद भी ट्रेन में कंफर्म सीट ना मिल पाने की वजह से अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेल यात्रियों के लिए इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान रेल मंत्रालय ने निकाल लिया है। वेटिंग लिस्ट क्लियर ना हो पाने की वजह से अब आपको सफर में धक्के खाने की या फिर सफर रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्रालय द्वारा खोजे गए समाधान के बाद अब रेलवे आपको रिजर्वेशन के लिए विकल्प की सुविधा भी देगी, जिसके तहत आपसे ये पूछा जाएगा कि जिस ट्रेन में आप सीट रिजर्व करवा रहे हैं, अगर उस ट्रेन में वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होती तो क्या आप 24 घंटे के भीतर ही किसी अन्य ट्रेन में सफर करना पसंद करेंगे। इस सुविधा के लिए आपको रिजर्वेशन के समय ही विकल्प का चुनाव करना होगा, जिसके बाद रेलवे आपको दूसरी ट्रेन की पूरी जानकारी मुहैया करवाएगी। मेरा नाम हरदीप सिंह है। ये बहुत अच्छा है जी। पहले हम जैसे भी रिजर्वेशन कराते थे उसमें वेटिंग लिस्ट में होता था, बहुत मुसीबत होती थी। अब इसमें हमें बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये सर। अच्छा ऑप्शन है। जैसे हम तो हमेशा जो वेटिंग लिस्ट में हमारा रहता था, तो उसमें वेटिंग लिस्ट में क्या है कि कभी हमारा कन्फर्म नहीं हो पाता था, शायद ही कभी कन्फर्म होता था, लेकिन अभी जो है कन्फर्म होने के लिए बताया है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री ने एक अलग स्कीम चलाई है जिसका नाम है विकल्प। विकल्प में मतलब ये होता है कि जब आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं उसी समय बता दीजिए कि आपका यदि इस गाड़ी में वेट लिस्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो 24 घंटे के अंदर और किसी गाड़ी में वो सफ़र करना चाहेंगे। यदि आप हाँ करते हैं उसमें, तो बाद में चार्टिंग होने के बाद में रेलवे आपको एक विकल्प देती है कि इस ट्रेन में आपको ये कन्फर्म टिकट दी जाती है तो आप उसमें ट्रेवल करना चाहें तो आपका स्वागत है। तो ये फ्री ऑफ चार्जेज है, थोड़ा सा माइनर चार्जेज कुछ लेते हैं रेलवे, लेकिन आपको कंफर्म टिकट देते हैं किसी दूसरी गाड़ी में, तो ये विकल्प सुविधा उपलब्ध है। अंबाला से हलचल टीवी के लिए भारत साबरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।